मुंबई के पोर्ट पर 1,000 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर से सटे हुए नवी मुंबई स्थित नवासेवा पोर्ट पर एक बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI और कस्टम विभाग के जॉइंट ऑपरेशन से ये खेप जब्त की गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ी गई हीरोइन की ये खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए समुद्री रास्ते से नवी मुंबई के नवासेवा पोर्ट पर उतारी गई। तस्करों ने ड्रग्स को प्लास्टिक के पाइप में छुपा कर रखा था और उस पाइप को इस प्रकार से कलर किया गया था कि वो बांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। तस्करों से पूछे जाने पर तस्करों ने बताया कि ये आयुर्वेदिक दवा है। इस खेप को मुंबई के पोर्ट पर उतारने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए थे उस सिलसिले में कस्टम हाउस के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। ये पूरी ड्रग्स 191 किलोग्राम हीरोइन है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस संदर्भ में दिल्ली के एक फाइनेंसर को भी गिरफ्तार किया गया है, उसे मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। आधिकारिक रूप से दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिनों का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। दोनों अपराधियों की गहन तरीके से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी अन्य कई गिरफ्तारियों की आशंका है। ये थी हमारी मुंबई से सटे हुए नवी मुंबई के नवासेवा पोर्ट पर 1,000 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़े जाने पर जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।